Arithmetic means are insert between 1 and 31, such that the ratio of the first and nth mean is 3:29. Find the value of n. n का value हमें यहाँ पे find करने के लिए कह रहा है. तो चलिए इस question को हम लोग यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे n arithmetic mean को insert करना, तो पहला 1 है, दूसरा 31 है. n insert करना, तो पहला a1, फिर a2, फिर a3, ऐसे करके कहाँ तक है, an तक है suppose कर लेते हैं. क्या कर रहा है कि first and nth, तो यानी कि a1 और nth का रेशियो दिया है यहाँ पे 3:29. चलिए आगे देखते हैं. तो फर्स्ट के लिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस डी होता है. तो a तो फर्स्ट टर्म a वन ही है ना, और d d d d नहीं पता है. इसके लिए a यानी कि वन और प्लस का n d हो जाएगा और इक्वल टू में 3:29. चलिए अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पर d के लिए. तो ये d क्या होगा, तो d के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, b माइनस ए बाई में n जितने इंसर्ट करने हो, यानी कि 30:n प्लस 1 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस का 30:n प्लस 1 और बाई में 1 प्लस का n इंटू में 30:n प्लस 1 इक्वल टू में 3:29. अब इसके बाद देखें, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं n प्लस 1, आ जाएगा n प्लस 1 और प्लस में 30. नीचे आपका एलसीएम ले लेते हैं n प्लस 1, आ जाएगा n प्लस 1 और प्लस में 30 n और इक्वल टू में 3:29. ये इससे कट जाएगा. अब इसके बाद देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, n प्लस का 31 और यहाँ हो जाएगा 31 n प्लस का 1 इक्वल टू में 3:29. चलिए अब इसके बाद देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 31 n प्लस 1 में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 93 n प्लस का 3 और 29 में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 29 n और प्लस का 29 में इंटू कर देंगे 31 से, तो आ जाएगा 899. चलिए इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, 93 माइनस का 29 इक्वल टू में 899 और माइनस का 3. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 93 में 29 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा n और इक्वल टू में यहाँ पे 896. इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू में आ जाएगा 896/64. ये 14 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि n इक्वल टू में यहाँ पे 14 आ जाएगा. कितने टर्म आंसर करने हैं, 14 यानी कि d नंबर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द n टर्म ऑफ NAP.